नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है, तो आइए दिखाते हैं लॉकडाउन के दूसरे दिन क्या दरभंगा बस स्टैंड की स्थिति है, साथ ही सड़कों की कैसी है हलचल, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की पल पल की अपडेट यहाँ आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पूरा बस स्टैंड खाली खाली सा दिख रहा है। जी हाँ, पूरा सुनसान लग रहा है, सिर्फ बसें लगी हुई है, बस सेवाएं ठप पड़ी हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार सरकार की ओर से सख्त प्रतिबंध लगाया गया सभी प्रकार के यातायात साधनों पर। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रखने का आदेश है सरकार की ओर से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बसें तो मौजूद है लेकिन स्टैंड में एक भी यात्री नहीं है, क्योंकि पूरा बस स्टैंड खाली पड़ा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से पूरी यातायात सेवाएं ठप पड़ी है। तो ये है हालात उस बस स्टैंड की जो पूरे शहर को जोड़ता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने में। बस सेवा के ठप पड़ने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, स्थिति ही कुछ ऐसी बनी हुई है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दिल्ली मोड़ से बाघ मोड़ की तरफ। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं, पूरा रोड सुनसान पड़ा है। हालांकि कुछ लोग जिनको बहुत ज़रूरी काम है वही घर से बाहर निकल रहे हैं, वो भी पूरी तरह मास्क और हेलमेट लगाकर। लेकिन जैसे जैसे शाम होता है वैसे ही लोगों का मूवमेंट ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन लोगों को भी बिना ज़रूरत के बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है ये जनता के लिए है, और अगर वही इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो फिर लॉकडाउन का क्या फ़ायदा, क्योंकि यह महामारी लगातार फैलता ही जा रहा है और सरकार के लिए सिरदर्दी बनता जा रहा है। आज भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है वो भी बहुत चौंकाने वाला है। उसमें दरभंगा से आज कुल 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है, जिससे अब दरभंगा में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 67 हो चुकी है। वहीं आज पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में आज 901 मरीजों की पुष्टि की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन करने का भी कारण यही था, क्योंकि लगातार एक दिन में कम से कम 1000 से 1200 केस निकलते जा रहे थे। खैर, अब तो जनता पर ही है, जनता ही इस लॉकडाउन को सफल बना सकती है। तो दोस्तों, आज आपने देखा दरभंगा में लॉकडाउन का कैसा रहा दूसरा दिन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें।